rotate your device. मित्रों, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिसने मुझे आपसे बात करने का एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया और मुझे भारतीय संस्कृति पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया। तो भारतीय संस्कृति पर जो मेरा अब तक का अध्ययन रहा, सुना, समझा, उसको मैं अपने शब्दों में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बहुत औपचारिकता में न पढ़कर मैं अब अपने जो मुझे विषय दिया गया है उस पर आते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिस भारतीय संस्कृति के हम प्रशंसक हैं उसकी नींव हजारों साल पहले ही पड़ गई थी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है, हमारी भी अपनी एक संस्कृति है जिसे हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं और हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, नाज होता है, होना भी चाहिए। हमें भी अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है, पर हमें ये जान लेना चाहिए कि वो कौन से कारक हैं, तत्व हैं हमारी संस्कृति के जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। और यदि कोई कुरूति इस बीच आ गई है तो उसे हमें अपनी कमजोरी मानकर स्वीकार भी कर लेना चाहिए और दूसरी बात कि उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो जो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसकी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति एवं सभ्यता से आरंभ होती है। प्रत्येक देश की संस्कृति एक निरंतर बहने वाली धारा के समान है जिसमें कई धाराएं उसमें समाहित होकर उसे उन्नत बनाती है। संस्कृति के निर्माण में किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से सोचने, विचारने, कार्य करने में वहाँ की शिक्षा, भाषाएँ, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गीत, संगीत, साहित्य कला, वास्तु, खेलकूद, स्थापत्य, तीज त्यौहार, मेले, आमोद प्रमोद के तरीके, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कृत्य जैसे उपकरण संस्कृति में अपना योगदान करते हैं। तो संस्कृति कोई एक ऐसा पदार्थ तो है नहीं जो बाजार में मिल जाए और उसको खरीद लें और स्थापित कर दें। संस्कृति, किसी भी देश की संस्कृति जो बनती है वो कई उपकरणों से बनती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। वो सामाजिक हो सकती हैं, होती हैं, राजनीतिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, राजनीतिक होती हैं और जीवन के जो सभी पहलू हैं वो मिलकर वहाँ की एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। एक अहम बात मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये बता देना जरूरी समझता हूं कि हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति या
पारसी संस्कृति की बात करना ठीक नहीं है। संस्कृति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का असर पड़ा है, पर फिर भी हम उन संस्कृतियों को हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति कहकर नहीं पुकार सकते। आर्य संस्कृति हो सकती है, अरबी संस्कृति हो सकती है, ईरानी संस्कृति हो सकती है, मंगोल संस्कृति हो सकती है, बेबोलियन संस्कृति हो सकती है। ये संस्कृतियाँ समझ में आती है। आर्य संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है, जिसे आज हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच किसी भी प्रकार का भाषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सामाजिक एवं संस्कृति की दृष्टि से अंतर नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रेमचंद ने इस पर जो आलेख सन 1934 में लिखा था, उसको संक्षेप में मैं पढ़ना चाहूँगा तो आप समझेंगे कि हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति नाम की कोई संस्कृति नहीं है। क्योंकि बंगाल का मुस्लिम और बंगाल का हिंदू एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, एक ही तरह का पहनावा होता है, एक ही तरह के रीति रिवाज होते हैं, खान पान एक होता है। तो इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं प्रेमचंद के उस लिखे गए आलेख को पढ़ना चाहूँगा, जिससे स्पष्ट होगा कि हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति कहना ठीक नहीं है। प्रेमचंद लिखते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों में भाषा का अंतर बिल्कुल नहीं है। मुसलमान उर्दू को अपनी मिली भाषा कह लें, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसे ही अपरिचित वस्तु है जैसी मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो, बंगाली हो या मराठी हो। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता जिस तरह से बंगाली हिंदू, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। सीमा प्रांत का हिंदू उसी तरह से पश्तू बोलता है जिस तरह वहाँ का मुसलमान। तो फिर क्या पहनावे में अंतर है? नहीं है। सीमा प्रांत की हिंदू स्त्रियाँ भी मुसलमान स्त्रियों की तरह कुर्ता और ओढ़नी पहनती ओढ़ती है। हिंदू पुरुष भी मुसलमानों की तरह कुला और पगड़ी बांधता है, अक्सर दोनों ही दाढ़ी भी रखते हैं। बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियाँ दोनों ही साड़ी पहनती हैं, हिंदू और मुसलमान पुरुष दोनों कुर्ता और धोती पहनते हैं। खान पान को लीजिए, अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी 80% मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी शराब पीते हैं। संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागनियाँ दोनों गाते हैं। मुसलमान की चित्रकारी से हम परिचित हैं। नाट्य कला पहले मुसलमानों में न रही हो, लेकिन आज इस सीगे में हम मुसलमानों को उसी तरह पाते हैं जैसे हिंदुओं को। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक देश की संस्कृति निरंतर बहने वाली धारा के समान होती है, जिसमें कई धाराएं मिलकर उसे उन्नत बनाती है। भारतीय संस्कृति इसका पुख्ता प्रमाण है। भारतीय संस्कृति के महासमुद्र में कितनी धाराएं आकर मिली और उसमें समाहित हो गई या उसकी साझेदार हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हेताय आर्य, हेताय अनार्य, हेताय द्रविड़ा, चीन शक हूण दल पठान मुगल, एक देने होलो लीन।
इसके उत्तर पश्चिमी मार्ग से विशाल झुंड के झुंड अपनी मूल्यवान संस्कृतियाँ लेकर भारत आए, जिससे यहाँ नई ताज़ा और समृद्ध संस्कृति ने जन्म लिया। भारत में बाहर से आने वालों में सबसे आखिरी दल आर्यों का ही रहा हो, ये बात नहीं है। ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में भारत पर सिकंदर की चढ़ाई हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम से यूनानियों का बड़ा दल इस देश में आया। ईसा से प्राय 100 वर्ष पूर्व शक जातियों के लोग हिंदुस्तान आए। प्रथम शताब्दी में कुषाण आए। चौथी शताब्दी में हूणों का बहुत बड़ा दल आया। मगर जब मुसलमान इस देश में आए, तब तक नीग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, आर्य, मंगोल, ईरानी, यूनानी, पार्थियन, बैक्ट्रियन, सीथियन, यूची, शक, आबीर तथा हूण और तुर्क, इनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचा और ये सब के सब हिंदू समाज के कर भली भांति खप चुके थे। ईसा की आरंभिक सदियों में ईसाई, यहूदी, पारसी, अरबी, अफगानी, मेसोपोटामियम और अरबी, अफगानी, मुस्लिम एक के बाद एक भारत में आए और वे सब के सब भारतीय संस्कृति के महासमुद्र में विलीन हो गए। तो मित्रों, जो भी जातियाँ यहाँ आई, वो अपने साथ अपने कुछ रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं और साहित्य, भाषाएं, पहनावा, कई चीज़ें लेके आए और यहाँ आके इस संस्कृति में रच बस गए। और इतनी सारे जातियों के मिश्रण से जो संस्कृति बनी, समृद्ध हुई, उन्नत हुई, वो जिस पर हम गर्व करते हैं, वो भारतीय संस्कृति है। इन सभी जातियों के मिश्रण से जो भारतीय संस्कृति का रूप सामने आया, उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में इस प्रकार लिखते हैं। जैसे कई प्रकार की औषधियों को कड़ाह में डालकर जब काढ़ा बनाते हैं, तब उस काढ़े का स्वाद हर एक औषधि के अलग अलग स्वाद से भिन्न हो जाता है। असल में उस काढ़े का स्वाद सभी औषधियों के स्वाद के मिश्रण का परिणाम होता है। भारतीय संस्कृति भी इस देश में आकर बसने वाली अनेक जातियों की संस्कृतियों के मेल से तैयार हुई है और अब ये पता लगाना मुश्किल है कि उसके भीतर किस जाति का कितना अंश है। चूंकि काढ़ा ओटने का काम आर्यों ने किया, इसलिए भारतीय संस्कृति पर आर्यों के नाम का बौद्धिक लेबल साफ पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि औषधियाँ आर्यों ने अनेक जातियों से ली और सबका उन्होंने उचित मात्रा में परिपाक किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से सभी औषधियों को डालकर हम एक काढ़ा तैयार करते हैं उन दवाइयों के मिश्रण से, तो उसी तरह से विभिन्न जातियों के मिश्रण से हमारे यहाँ जो एक काढ़े के रूप में एक संस्कृति डेवलप हुई, वो अद्भुत है, जिसमें कई जातियों का अपना योगदान है। भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के
मिलन से उत्पन्न हुए। इस मिलन मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई जिसे आज हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संस्कृति के महासमुद्र में कितनी ही धाराएं आकर मिली और उसमें समाहित हो गई या उसकी साझेदार हो गई। आर्यों के आने से पहले यहाँ सभ्यता का विकास हो चुका था और धर्म एवं संस्कृति के अनेक रूप ग्रहण कर चुके थे। इसके बाद जो भी जातियाँ भारत में आई वे यद्यपि भारतीय समुद्र के संस्कृति के समुद्र में विलीन हो गई, फिर भी हमारी संस्कृति को उनकी भी कुछ न कुछ देन है। ये देन कभी तो हमारे धर्म में चिपक गई, कभी हमारे पोशाक में, कभी हमारे खान पान में, कभी भाषा में अथवा रहन सहन के दूसरे ढंगों में। हिंदुओं ने उनको भी अपना पूज्य अवतार मान लिया जो किसी समय हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करने उठे थे। हमारे दर्शनों में नास्तिक दर्शनों की भी काफ़ी संख्या है और समाज में उनका भी आदर रहा है। भारतीय संस्कृति ने कभी भी अपने को कूपमंडू नहीं बनाया। जहाँ से कोई भी अच्छी चीज़ मिलने वाली थी उसे इसने आगे बढ़कर स्वीकार किया। धर्म के विषय में बड़ी ही सहिष्णुता और उदारता बरती गई। भारतवर्ष के लंबे इतिहास में जब कभी कोई अद्भुत धार्मिक चिंतन किया गया भारतीयों ने उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। इसलिए अब हमारी संस्कृति वही नहीं है जो वेदकालीन आर्यों की थी और शुद्ध शुद्ध वह भी नहीं है जिसकी रचना आर्यों और द्रविड़ों ने की थी। आर्यों और द्रविड़ों के मिलने के बाद भी अनेक जातियां इस देश में आई और उन सब ने हमारी संस्कृति को कुछ न कुछ अंशदान दिया। अपने देश में बुद्ध और महावीर और उसके बाद यहीं पर गुरु नानक देव के नेतृत्व में प्रबल धार्मिक क्रांति हुई और उस क्रांति की भी पूरी छाप हमारी संस्कृति में मौजूद है। इसी क्रम में आधुनिक काल में एक संत हमारे यहाँ और पैदा हुआ जिसने हमें हिंसा का प्रतिकार अहिंसा के तरीके से करना सिखाया और वो संत था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जैसे अस्त्र का आविष्कार कर इतिहास की सबसे बड़ी हिंसक सदियों में से एक में अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य जिसके पास सब तरह का पार्श्विक बल था को पराजित कर सत्य एवं अहिंसा के बल पर दुनिया को चकित कर दिया। महावीर का जो 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए सार्वजनिक जीवन में रहते हुए गांधी ने उन सभी 5 सिद्धांतों का भरी बलिभांति पालन किया और हमें सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए सबसे बड़े अस्त्र अहिंसा के आधार पर हिंसा का प्रतिकार करना और इसके आधार पर निर्भीकता का एक ऐसा मंत्र दे गया जिस पर हमें आज गर्व है। गांधी की बात चली है तो मैं एक प्रसंग देना चाहूँगा। वो गांधी ही था जब नोआखाली के दंगा पीड़ित इलाकों में निहत्ता अकेला गांव-गांव गलियों-गलियों में हिंसाग्रस्त इलाकों में घूमता रहा। तो ये महावीर और बुद्ध की श्रृंखला में जिनकी वजह से जिनके धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव हमारे संस्कृति पे पड़ा, उसी प्रकार गांधी के चिंतन का प्रभाव भी हमारी संस्कृति पर
बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ हमें सीखा। और गांधी से हमारी संस्कृति ही प्रभावित नहीं हुई, बल्कि बाहर के कई लोगों ने उनके दर्शन को अपनाया और उस रास्ते पे चल के वहाँ के लोगों ने वहाँ की जो गुलामी है उनको उनसे मुक्त हुए। इसमें एक मार्टिन किंग लूथर का मैं एक कोटेशन उल्लेख करना चाहूँगा। वो कहते हैं, ईसा मसीह ने हमें उत्साह और प्रेरणा दी, तो गांधी ने हमें तरीका मुहैया कराया जिससे हम दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ सके। थोड़ा विषयांतर हो गया, मैं वापस आता हूँ। भारतीय संस्कृति का रूप सामासिक है और विकास उसका विकास धीरे धीरे हुआ है और ये गत्यावरुद्ध न होकर गत्यात्मक रही है। एक और तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। इस संस्कृति में समन्वय तथा अन्य उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता थी। जब तक इसका ये गुण शेष रहेगा ये संस्कृति जीवित और गतिशील रहेगी। श्रोता मित्रगण नोट करें कि जब तक जो उपकरण संस्कृति को उन्नत बनाते हैं वो गुण इस संस्कृति में मौजूद रहेगा, जब तब तक ये गतिशील रहेगी और जीवित रहेगी। अन्यथा अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो इसकी गतिशीलता जाती रहेगी जिससे ये संस्कृति जड़ हो जाएगी और इसके सारे पहलू कमजोर हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति की एक और प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता का पहलू। भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़ों का पहनावा करते हैं, किंतु उनका स्वभाव एक है। तो भारतीय नागरिकों की सुंदरता उनकी सहनशीलता, लेने देने की भावना तथा उन संस्कृतियों के मिश्रण में निहित है जिसकी तुलना एक ऐसे बाग से की जा सकती है जहाँ कई रंगों के फूल हैं जबकि उनका अपना अस्तित्व बना हुआ है और वे भारत रूपी उद्यान में भाईचारा और समरसता बिखेरते हैं। तो मैं भी ऐसे ही बगीचे को पसंद करूँगा जहाँ जातियों के विभिन्न रंगों के फूल अपनी खुशबू बिखेरे। तो भारत भी एक ऐसा ही उद्यान है जहाँ पर विभिन्न विभिन्न जातियों के फूल खिलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साझेदार होते हैं, सुख हो या गम हो। एक और जो सबसे बड़ी विशेषता भारतीय संस्कृति की है जो इसे उन्नत बनाती है वो है कि इसकी जो पाचन शक्ति है वो बड़ी प्रचंड है। दुनिया में सबसे बहुलवादी, समावेशी, उदार और सहिष्णु, और इसका हमें विस्तृत रूप देखने को मिलता है। इसका कारण शायद यह है कि जब आर्य इस संस्कृति का निर्माण करने लगे तब उनके सामने अनेक जातियों को एक संस्कृति में पचाकर समन्वित करने का सवाल था जो उनके आगमन के पहले से इस देश में रह रही थी। अतः उन्होंने आरंभ से ही भारतीय संस्कृति का ऐसा लचीला रूप पसंद किया जो प्रत्येक नई संस्कृति से लिपटकर उसे अपनी बना सके। नीगरों से लेकर हूणों तक इस देश में आने वाली सभी जातियां इस लचीलेपन के कारण हिंदू समाज में खप गई। भारतीय संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को अपनी पीकर अपनी ताकत बढ़ाई है। एशिया उससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि जिस संस्कृति पे हम गर्व करते हैं या हम प्रशंसक हैं तो भारतीय ही इसके प्रशंसक नहीं हैं,
पाश्चात्य देशों के कई विद्वान भारतीय संस्कृति के बड़े प्रशंसक रहे हैं और बहुत काम किया है, जिनमें प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, रोमारोला आदि आदि। एक और भारतीय संस्कृति के अध्येता ब्रिटिश इतिहासकार एल बाशम हुए हैं, उनका कहना है कि अन्य संस्कृतियों से भारत ने जितना ग्रहण किया है उससे अधिक उसने प्रदान किया है। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को अपनी अधिकांश संस्कृति भारत से प्राप्त हुई है। विभिन्न देशों में बौद्ध पहुंचे और भारतीय प्रभाव ने वहां धीरे धीरे अपनी संस्कृति विकसित की। उत्तर की ओर भारतीय संस्कृति का प्रभाव मध्य एशिया तक फैला। एशिया को व सारे संसार को भी भारत ने अनेक व्यवहारात्मक वरदान दिए हैं। इस कारण से यदि और किसी कारण से नहीं तो हमें उसकी सफलताओं और उसकी विफलताओं में उसकी प्राचीन परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब ये परंपराएं केवल भारत की ही नहीं अपितु सारी मानवता की है। इतना बड़ा प्रशंसक एल बाशम मानता है कि भारत ने जितना लिया है उससे कहीं अधिक भारत ने विश्व को दिया है। वो कई रूपों में दिया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। अन्य जो कारक हैं संक्षेप में मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, वो हैं कि वाद संवाद की परंपरा, वैचारिक विविधता, तर्कशीलता, बहुमतीयता, सहिष्णुता, विभिन्न संस्कृतियों को अपने में समाहित करने की पाचन शक्ति, सभी धर्म पंथों को शरण देने जैसी गौरवशाली और समृद्ध परंपराएं रही है, जिन्हें सभी संप्रदायों की सर्वसम्मति सहमति रही है। यहाँ एक शब्द आया था मित्रों, बहुमतीयता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक वाद संवाद, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी जो जिसको जिसने समृद्ध किया है वो वाद संवाद और बहुमतीयता। वाद विवाद पे मैं आऊँगा बाद में, पहले बहुमत। बहु यानी बहुमत के सिद्धांत को स्वीकारना, यानी अन्य मतों को भी महत्व देना, आदर देना, यानी जहाँ मतों का बाहुल्य हो। बहुमत का अभिप्राय मेरा संख्या के अधिक होने से नहीं है, मेरा अभिप्राय है बहुमत से अभिप्राय जहाँ मतों का बाहुल्य हो। और ये हमने आधुनिक काल में नेहरू काल में भी देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है, जहाँ पर अनेक मतों का, अनेक लोगों को सुनने का, उनके विचारों का आदर करने का परंपरा नेहरू या हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए तपे हुए नेता थे उन्होंने जो रखी, उससे ये पनपी। इसके अलावा भी आप देखिए कि जनसंवाद के प्रति जो गहरी निष्ठा है, इसका श्रेय बहुत कुछ बौद्धों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने विश्व में संभवतः पहली खुली जनसभाओं का आयोजन किया। इतिहास में संशयवादी, नास्तिकतावादी, अनिश्वरवादी, भौतिकतावादी बुद्ध के समय से ही प्रचलित रही है। उपनिषदों में भी इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। एक बात और कि वाद संवाद में केवल पुरुष वर्ग का ही भागीदारी रही हो, योगदान रहा हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नारियों की भी भागीदारी उतनी ही रही है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, विश्वपारा, अपाला, सरस्वती और घोषा जैसी ऋषिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
इसके अलावा मीरा, आंडाल, दयाबाई, सहजोबाई, ललज्जत, अब्बा खातून जैसी योगिनियों ने भी भक्तिकाल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक और बात, केवल एक ही वर्ग के लोगों का योगदान रहा हो ऐसा नहीं है, सभी वर्गों का, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सबका इस संस्कृति को बड़ा योगदान रहा है। जैसे कबीर जुलाहे थे, दादू रुई दूनने वाले थे, रविदास चर्मकार थे, सेन एक नाई थे, नामदेव पिछड़े वर्ग से थे। तो इन्होंने यहाँ की संस्कृति में जो योगदान किया है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता। एक और बात, मेरी समझ में शासन प्रणाली में सबसे आदर्श प्रणाली में लोकतंत्र प्रणाली को मानता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र का वाद संवाद से गहरा नाता है। तो यहाँ हमारे ये भारतीय प्राचीन इतिहास से लोकतंत्र के सूत्र मिलते हैं, महाभारत में भी मिलते हैं, बौद्ध काल में भी मिलते हैं, और लिच्छवी जो गणराज्य था जहाँ महावीर पैदा हुए वो गणतांत्रिक था। अन्य जो, हाँ एक बीच में और बात कह दूं कि उन्हीं लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए आज़ादी के बाद हमने ऐसी ही शासन प्रणाली को अपनाया, और उन महान नेताओं को, यहाँ गांधी को मैं फिर याद करूँगा कि गांधी की सलाह पर नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में, अपने सरकार में सभी विचारधारा के लोगों को शामिल किया, और संविधान सभा में भी सभी विचारधारा के लोगों को शामिल किया, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, समाजवादी हो, अंबेडकरवादी हो। अंबेडकर जैसे विद्वान काबिल व्यक्ति को संसद संविधान कि जो ड्राफ्ट कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया। तो ये मतों, विभिन्न मतों को आदर देना, विभिन्न विचारों का सम्मान करना, ये हमारी परंपरा है जो हमारे नेताओं ने भी उसको उसका अनुकरण किया। एक और मैं अपनी संस्कृति की खूबसूरती को और इशारा करना चाहूँगा, वो है हमारी संस्कृति में खुलापन और लचीलापन। हमारे यहाँ भारतीय कला में कामुकता का खुलकर प्रदर्शन किया गया है, इसके कई प्रमाण हमें मिल जाएंगे, विस्तार में नहीं जाऊँगा। जब जब समाज में, खास बात हमारी संस्कृति की ये रही कि जब जब समाज में कुरूतियाँ आई, मलिनता आई, मूढ़ता आई, भक्तों ने, संतों ने, सूफी संतों ने अपनी वाणी से उसे परिशुद्ध किया। तो मध्यकाल में भक्ति की एक ऐसी धारा बही कि जो सारा कूड़ा कटकट इकट्ठा हो गया था अब तक, उसको झाड़ पोंछ के साफ किया और संस्कृति को ताज़ा किया। चाहे वो कबीर हो, रैदास हो, संत चोखा मेला हो, तुकाराम, नसरी मेहता, बंगाल के चैतन्य देव, एकनाथ, नामदेव, मीरा, दया, सहजो, आंडा, ललज्जत, हब्बा खातून, रसखान, रहीम खान खाना, सूरदास, नज़ीर अकबरावादी, एक लंबी श्रृंखला। इसी तरह से सूफी संत 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ उनका यहाँ आना, मोहिनीदीन चिश्ती की से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग, देलवी, गेसु दराज, फिरदौसी, कादरी परंपरा के सूफी यहाँ पहुँचे। वाद संवाद और धर्मनिरपेक्षता, तर्कों की स्वीकारता और सहिष्णुता को
जो अशोक के समय से चली आ रही थी, गुप्त काल में जो परवान पे चढ़ी, उसको प्रशासनिक समर्थन अकबर के शासनकाल में भरपूर मिला। अकबर अपने यहाँ सभी धर्मों पंथों के लोगों को, इस्लाम की तीनों शाखाओं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, सूफी हो, सब नास्तिक हो, सबको बुलाता था, सबसे बात संवाद करता था। और वो तो कहता था कि यदि परंपराएं ही उचित होती तो पैगंबर नए संदेश नहीं लाते, वे अपने बुजुर्गों का ही अनुसरण करते रहते। हम शेष दुनिया की प्रत्येक बात को केवल इसलिए अस्वीकार करते चले जाएं कि वो हमारे ग्रंथ में नहीं है, फिर प्रगति कैसे होगी? तो कहने का मतलब कि वो भी कूप मंडू नहीं होना चाहता था, नई चीज़ की तरफ देखना चाहता था। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमारे यहाँ की संस्कृति को जो समृद्ध बनाया, वो उस जो कारक रहे, जिसे मैं कहूँगा सहिष्णुता, उदारता, समन्वय, आत्मसात करने की क्षमता, लचीलापन, विविधता में एकता, प्रचंड पाचन शक्ति, वाद संवाद की परंपरा, वैचारिक विविधता, तर्कशीलता, बहुमतीयता को सर्वसम्मति रही है। अब यहाँ पर हमें ये विचार करना पड़ेगा, क्या भारतीय संस्कृति में सब कुछ सुनहरा सुनहरा ही था, उज्ज्वला उज्ज्वला पक्षी था, कुछ नकारात्मक बातें नहीं थी? थी, वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी। नेहरू यहाँ कहते हैं, नेहरू को याद करता हूँ मैं, भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचरण अत्यंत संकीर्ण होते चले गए। फटा हुआ ये व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का ये विरोध आज तक भी हमारे साथ है। कितनी विचित्र बात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदतों और रिवाजों की कमजोरियों को हम ये कहकर नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिले हैं, लेकिन पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान और हमारे आचरण में भारी विरोध है। और जब तक ये विरोध की स्थिति को हम दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व तो फटाका फटा रह जाएगा। ये दोहरा व्यक्तित्व, ये हमारे सिद्धांत अलग हो और व्यवहार में अलग हो, ये संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ कुछ नकारात्मक पहलू भी आए, जिन्हें जैसे छुआछूत है, जाति प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विधवा विवाह के पुनर्विवाह की अनुमति न होना, बाल विवाह करना। पर मैं फिर कहूँगा कि इन सब को हमारे जो समाज सुधारक है, जैसे राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इन्होंने दूर किया। और काफ़ी हद तक जैसे सती प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पशु बलि नगण्य रह गई है, जाति प्रथा है पर छुआछूत उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर ये पहले किसी काल में पाया जाता था। तो ये जब तक हम इस दोहरी मानसिकता से नहीं निकलेंगे, हम अपनी संस्कृति को गति नहीं दे पाएंगे। हमारे सिद्धांत और हमारे व्यवहार में एक रूपता होनी चाहिए। नेहरू और आगे इस बारे में कहते हैं, हमारे आचरण की तुलना में हमारे विचार और उद्गार इतने ऊंचे हैं
कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। हम बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं लेकिन हमारा आचरण हमारे विश्वास से भिन्न हो जाता है। बातें तो हम अहिंसा की करते हैं मगर काम हमारे कुछ और ही होते हैं। सिद्धांत तो हम सहिष्णुता का बघारते हैं लेकिन भाव हमारा ये होता है कि सब लोग वैसे ही सोचे जैसे हम सोचते हैं, और जब भी कोई हमसे भिन्न प्रकार से सोचता है तब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। घोषणा तो हमारी ये है कि स्थित प्रज्ञ बनना अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदर्श है, लेकिन काम हमारे बहुत नीचे धरातल पर चले जाते हैं और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता हमें वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में हमें नीचे ले जाती है। नेहरू आगे कहते हैं, हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया जिन्हें बाहर के लोग न जानते हैं न समझ पाते हैं। जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विविध स्वभाव के उदाहरण हैं। किसी भी दूसरे देश के लोग ये नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है तथा दूसरों के साथ खाने पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी को क्या उज्र होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई है। राष्ट्र चरित्र नायकों को जातिगत संकीर्णता में रखने का प्रचलन हो गया है। जातिगत संकीर्णता के अलावा जन्मजात असमानता को धर्मसंगत माना जाता है। अभी मैंने बताया कि छुआछूत सती प्रथा बाल विवाह ये सब चले, विधवा बाल विवाह विधवा निषेध बाल विवाह सामाजिक कुरीतियाँ बहुत रही, और इन कुरीतियों पर मैं थोड़ा याद आ गया तो याद दिला दूँ कि कैथरीन मेयो ने एक बहुत चर्चित एंड विवादास्पद पुस्तक लिखी है मदर इंडिया, जिसे गांधी ने ये कहते हुए खारिज किया है कि ये किसी एक गंदी नाली के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की तरह है। इस मदर इंडिया पुस्तक के जवाब में लाला लाजपत राय ने इसका जवाब देते हुए दुखी भारत के नाम से बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, समय मिले तो आप मित्र लोग जरूर पढ़ें। तो देखिए, जो भी कुरूतियाँ आई है, मलिनता आई है, हमने मूर्ताएँ की है, उसका जो निषेध है, विरोध है, उसको दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, अम्बेडकर, इन महापुरुषों ने किया, मध्यकाल में भक्तों ने किया। और एक बात गांधी की मुझे याद आती है, वो ये कहते हैं कि ये तो कहते ही हैं कि हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से करना चाहिए। प्रतिकार नहीं करना नहीं है, प्रतिकार करना है पर अहिंसा से करना है, और अहिंसा से प्रतिकार करने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि आपके पास कि कोई ऐसा जो अस्त्र नहीं है जिससे मार कर सके, केवल आपके पास आपका सत्य और अहिंसा का आत्मबल होता है। तो ये सबसे बड़ा जो एक दूसरी जो बात गांधी ने सिखाई कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। ईसा मसीह भी कहते हैं कि अपने शत्रु से भी प्रेम करें। तो इस पर गांधी फिर याद आते हैं। एक बार एक पादरी गांधी से मिलने आते हैं, वो चर्च का कात्रे होते हैं अपने आश्रम में। पादरी ने पूछा, मिस्टर गांधी, ईसा मसीह कहते हैं अपने शत्रु से भी प्रेम करो, आपका इस बाबत क्या कहना है? गांधी चुप, पादरी चल जलाए। उन्होंने जोर से आवाज में फिर पूछा, गांधी आपका अपने शत्रु के बारे में क्या ख्याल है? आपने सुना नहीं मैंने ये पूछा था? गांधी ने गर्दन ऊंची करके कहा, मैंने पहले भी सुना और अब भी सुना, पर मैं क्या कहूँ?
शत्रु के बारे में मेरा क्या विचार है? मेरा कोई शत्रु ही नहीं है जिसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं। कितनी बड़ी बात गांधी ने कही है। और सब की भावनाओं का सम्मान करना, सभी पंथों धर्मों का आदर करना, ये मौर्य काल से अशोक के समय से चला रहा है। गांधी ने भी इसे में और समझाया। इनका एक और प्रकरण याद आता है, वो बताता हूँ। गांधी अपने आश्रम में थे, दक्षिण अफ्रीका के अपने एक मुस्लिम मित्र का एक लड़का उनसे भारत मिलने उनके आश्रम पे आता है। आते बापू के चरणों में वंदन करता है, बापू से गले लगाते हैं। बापू को अचानक याद आया कि आज ईद है, मेरे दोस्त का बेटा इतनी दूर से मुझसे मिलने आया है और इसकी ईद फीकी रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब चूंकि गांधी के आश्रम में नॉन वेज तो बनता नहीं था, तो उस गांधी ने अपने आश्रम वासियों को कहा कि मेरे दोस्त का बेटा आया है, इसका आज ईद मननी चाहिए, जाइए मटन लाइए। गांधी जैसा अहिंसावादी, पर उसके मन में ये भी है कि मुझे दूसरे की व्यक्ति की भावना का सम्मान भी करना है, तो उसके दोस्त का जो बेटा था उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, बापू मैं आपके आश्रम में मांसाहार ग्रहण नहीं करूँगा। तो ये गांधी की विशालता जो हमें सिखाती है कि शत्रु से भी प्रेम करो, दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करो, एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये मैं कह रहा था कि जो कुरीतियाँ आई है वो धीरे धीरे दूर हुई हैं। पशु बलि लगभग ख़त्म हो गई है, बाल विवाह भी अब कानूनन नहीं हो सकते हैं, बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण और दलित एक साथ यात्रा कर रहे हैं, अंतर्विवाह भी प्रचलन में आ रहे हैं। तो दूर हुई हैं और अगर और आएंगी तो हम दूर करेंगे और संस्कृति को गतिशीलता प्रदान करेंगे। नेहरू यहाँ पर हमें और कहते हैं, सचेत करते हैं, क्या करते हैं कि जो कुछ भी अभी भी बाहर से जो कुछ मिलता है उसे, अच्छा जो मिलता है उसे ग्रहण कीजिए, कूप मंडू मत बनिए, आत्मसात कीजिए। पुरानी परंपराएं महान थी, उनका उन पर गर्व कीजिए, चिपके मत रहिए उन तक, नई जो आ रही है उनको ग्रहण कीजिए। और वैसे भी भूमंडलीकरण के समय में हम अगर बचना चाहें तो बच भी नहीं सकते, और अगर बचना चाहेंगे तो वही हाल होगा जो एक उस कमरे की तरह होगा जिसके सारे दरवाजे खिड़की बंद हों और कोई हवा और प्रकाश उसमें अंदर नहीं आ रहा हो, तो सफोकेशन होगा, दम घुटेगा। तो अगर बाहर की चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को जो हमारे यहाँ के लिए हितोपयोगी है उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो कमरे की खुड़ी जैसे खिड़कियाँ खुली रखती हैं, उसी तरह से विचारों, खान पान, साहित्य, धार्मिक मान्यताएं जो भी अच्छी मिलती है वो हमें लेते रहनी चाहिए। तो और ली है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, बच भी नहीं सकते, बच ही नहीं सकते, लेनी ही पड़ेगी।
मैं एक मशहूर भाषाविद को सुन रहा था तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ तो हिंदी भाषा जो बोल रहा हूँ उसमें कितने शब्द अन्य भाषाओं के हैं मुझे पता ही नहीं है। तो उस भाषाविद को सुनने से पता चला कि हमने कई शब्दों को अपने यहाँ शामिल करके अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है, नीचे नहीं गिराया है। और वो भाषाविद और कोई नहीं, महान गीतकार, फिल्मकार जावेद अख्तर। वो एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, चार लाइनें बोलते हैं जिनमें कुछ शब्द होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। एक मकान में एक गोरा चिट्ठा आदमी, एक नन्ना बुतना बच्चा बैठे थे। बावर्ची ने लाकर नाश्ता दिया। नाश्ते में उड़द की दाल व टोस्ट थे। वह आदमी उठा, संदूक से पिस्तौल व दीवार पर टंगी बंदूक ली और कमरे में लगी चिक हटाकर रास्ते में पड़ी बाल्टी को एक तरफ हटाकर कमरे से निकल गया। ये चार लाइनें हैं जिनमें जो शब्द आए हैं उनको आप देखिए कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का। हिंदी बोल रहा हूँ मैं, पर कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है मुझे पता नहीं, पर उनको सुनने से पता चला कि मैं कई भाषाओं के शब्दों को बोल रहा हूँ। जैसे एक मकान में, मकान अरबी शब्द, गोरा चिट्ठा पंजाबी, नन्ना गुजराती, बच्चा फारसी, बावर्ची टर्किस, नाश्ता फारसी, उड़द की दाल तमिल, टोस्ट अंग्रेजी, चिक टर्किस, संदूक टर्किस, बंदूक टर्किस, पिस्टल अंग्रेजी, दीवार पर्शियन, बाल्टी पुर्तगीज, रास्ता फारसी। अब आप विचार कीजिए, मैं बोल हिंदी रहा हूँ पर ये जो शब्द इसमें आए हैं वो कितनी भाषाओं से लिए हैं। तो मेरी हिंदी भाषा समृद्धि हुई है। जिस भाषा से मैं संप्रेषण करना चाहता हूँ, अपनी बात कहना चाहता हूँ, वो पहुँच जाती है। जैसे ये तो हुई भाषा की बात, खान पान को लीजिए। वड़ा पाव, वड़ा बनता है चने की दाल से, ये कहाँ से लिए अपन? मैक्सिको से। पाव अफगानिस्तान, आलू जो इसमें पड़ता है बड़ा पाव, स्पेन। अदरक चीन से। पहनावों को लीजिए, प्राचीन काल में हमारा पहनावा क्या था? सिली हुई कोई चीज नहीं थी, बुनाई थी यहाँ, हमारा सिलाई नहीं थी। सिलाई आई अरबों के आने से, कुर्ता पजामा पैंट शर्ट आए पश्चिमी लोगों के आने से। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बात करेंगे हम अंग्रेजी विरोध की, पढ़ाएंगे बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में, घर में मेहमान आएंगे बच्चों को कहेंगे अंग्रेजी में कविता सुनाओ अंकल, अंग्रेजी सीखनी चाहिए। क्यों नहीं सीखनी चाहिए? उसमें जो ज्ञान है वो हमें मिलेगा, अच्छा नहीं होगा नहीं लेंगे। तो जो अच्छा है लेंगे, लेना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो हमारी हजारों साल से जो संस्कृति चली आ रही है और जिस वजह से ये समृद्ध बनी, समुन्नत बनी, निरंतर गतिवान बनी, जिन कारकों से ये हुई, उन कारकों को आत्मसात करना चाहिए, उन मूल्यों को बनाए रखना चाहिए
तभी हम हमारी संस्कृति की धरोहर सांस्कृतिक धरोहर को बचा पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत कुछ कहना था, पता नहीं क्या छूटा और क्या कह पाया, फिर भी जो मेरा अध्ययन था, जो सुना, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति और सांप्रदायिकता विषय पर अभी एक मैंने किताब लिखी है, जो जनवरी में प्रकाशित होकर आई है, समय मिले जरूर पढ़ें। उसका टाइटल है भारत, संस्कृति और सांप्रदायिकता। एक चैप्टर मैंने भारतीय संस्कृति पर लिखा है। विस्तार से भारतीय संस्कृति को जानना चाहें तो उस चैप्टर का आप अध्ययन करें, तो मैं आभारी रहूँगा। मैं आपने मुझे एक घंटे तक धैर्य से सुना, मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसका समालोचना करें और मुझे सुझाव दें कि कहाँ मैं गलत था, ताकि मैं उसे दूर करूं और आगे और अपने अध्ययन में सुधार कर सकूं। एक बार पुनः जन सरोकार मंच और फेसबुक से जुड़े हुए सभी विद्वान मित्रों का, जिन्होंने समय अमूल्य अपना समय निकालकर मुझे सुना है, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आभार आभार, अभिनंदन अभिनंदन। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, यही अंत में कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।